एक दो तीन। हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना। कर क्यों नहीं रहे हो? अजीब हरकतें हैं यार। आवाज नीचे क्या हो जाएगा यार? कर दो यार सब्सक्राइब, कोई बात नहीं, अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, कोई बात नहीं, गुस्से वाली कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन लाजमी दबा दो। अच्छा, तो सीन यूं हुआ कि आज के सीन इस तरह बने हैं कि मोहसिन ने ना और मैंने मिलकर एक प्रैंक डिसाइड किया वहाब के साथ। अब सीन इस तरह के होने का, जो प्रैंक है वो बेसिकली होना वहाब के साथ है, लेकिन वहाब के साथ मोहसिन प्लान करेगा कि ये प्रैंक होगा मेरे साथ। अभी आप समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा है, आपको अभी समझ लगेगी कि प्रैंक हो रहा है इसके साथ, अब होगा उसके साथ। प्रैंक होगा वहाब के साथ, वहाब को कहा जाएगा कि प्रैंक होना है मेरे साथ। वहाब को यही लगना है कि इलियास के साथ प्रैंक हो जाना है, पर उसे ये कोई आइडिया नहीं है, सब कुछ गोलमाल हो जाएगा। हाँ, तो ये उसके लिए एक दुनिया समझ लो, उसकी जमीन पैरों तले निकल निकल जानी है। हमारे घर के बाहर आया हुआ, नीचे खड़ा हुआ, इंतजार कर रहा है, दरवाजा खोलते हैं, किसी बहाने से निकलूंगा कमरे से बाहर। उस दौरान मोहसिन ना प्लान डिसाइड करेगा कि ये लियास के साथ प्रैंक करना है, और उसके कुछ एक्सप्रेशन दिखाएंगे आपको कि वो किस तरह खुश होगा कि लियास के साथ प्रैंक होने लगा। फुग्गा जी को लाते हैं ऊपर, फिर आपको भी दिखाते हैं। तो सीन ऐसे थे कि फुग्गा जी आ चुके हैं, और इस वक्त फुग्गा जी को मैं सारा प्लान बता चुका हूँ कि इलियास साहब के साथ हमने कौन सा प्रैंक करना है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो फुग्गा जी इस वक्त उस प्रैंक के जो सारा रद्दे अमल आना, उस प्रैंक में क्या क्या चीजें यूज होनी है, वो इस वक्त वो काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। फुग्गा जी, हेलो गाइस। फुग्गा जी ठीक है? ओके। इलियास साहब की आज वाट लगा देनी है, वाट लगा देनी है। फुग्गा जी टेंशन ना लो, आज इलियास साहब को पता नहीं चलना कि होना है क्या इसके साथ। रुको जरा, सब्र करो। वो समझेगा कि ये एक हम चैलेंज खेल रहे हैं, पर उसे नहीं पता कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है। तो देखते हैं इलियास साहब आता है। हम लोग अभी सारा ना इंतजाम कर रहे हैं, इलियास के आगे नीचे उसके अबू ने उसे बुलाया था, तो वो जैसे ही आता है हम आपको भी दिखाते हैं। तो सीन जैसे कि आज हम करने जा रहे हैं चैलेंज। चैलेंज ये है कि हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, छह बलून है। फुग्गा जी जो है वो इलियास के ऊपर ऐसे बलून फेंकेंगे, पहले समझ लें इलियास और फुग्गा खेल रहे हैं। तो फुग्गा जी इलियास के ऊपर बलून फेंकेंगे, मैं उन्हें बलून पकड़ाता जाऊंगा। हमने कम से कम टाइम मेजर करना है कि कौन सबसे कम टाइम में छह बलून फाड़ता है। तो जो सबसे कम टाइम में फाड़ेगा वो तो हो जाएगा विनर, और जो सेकंड आएगा वो ऑब्वियसली बात है उसको बचत हो जाएगी, और जो लास्ट आएगा उसकी तरफ आपको पता है हमेशा की तरह क्या होगा, उसके मुंह पे लगेगा एक फॉर्म और 7-10 बैठ के। तो हम आपको दिखाते हैं अभी चैलेंज शुरू होने लगा। पहली बारी करेंगे इस दफा इलियास। किस वजह भाई? क्यों? क्योंकि लास्ट चैलेंज हम चेक हो गए थे, पर बारी इलियास ने लास्ट की थी, इस तरह से इसको एडवांटेज मिला और ये जीत गया। ठीक है, इस दफा इलियास पहले करेगा, इसको पता चलेगा कि डिसएडवांटेज क्या होता है पहली बारी का। इसमें क्या है, वैसे टाइम ही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फुग्गा जी हो गए हमसे बिल्कुल नाराज, वो हमें बुलाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, फुल तब्बा है वो इस वक्त, इतना तब्बा है कि उसका दिल कर रहा कोई चीज उसके करीब हो तो चुप के मारे मुंह में मार दे, क्योंकि वो बड़ा खुश था कि इलियास के साथ प्रैंक होने जा रहा है पहली दफा, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये प्रैंक उसी के साथ होने जा रहा है। ये देखे, देखो मैं ना बड़ा खुश हूँ, बड़ा मजा आया मुझे। मेरा बुग्गा देख, पता क्या है, इस तरह की बातों में मेरा हाथ नहीं होते।
ऐसे ही छोटा सा प्रैंक था। देखो तुम भी तो वैसा प्रैंक करने को राजी हुए थे ना उसके साथ। हमने ये देखना था तुम्हारी नियत में खोटी थी ना, जिसकी नियत में खोट होता है उसके साथ यही कुछ होता है। वो एक दफा होता है, दो दफा होता है, हर वीडियो में मेरे से ही प्रैंक, मेरे साथ ही वीडियो बना लिए। उस्तादों से पंगे लो गए तो फिर यही कुछ होगा। उस्तादों से पंगे लो गए। अच्छा यार नाराज ना हो, नाराज ना। तू गया था, तुझे आइसक्रीम बड़ी पसंद है, कहाँ की? वहाँ की आइसक्रीम कहेगा, जहाँ की आइसक्रीम, जहाँ की आइसक्रीम कहेगा, जहाँ 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 कहेगा वहाँ चलते हैं। जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी, आई मौका है, मौका है, दस्तूर है, जल्दी बोल, जल्दी बोल यार, बोल देना। अच्छा चल, अच्छा भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। A few moments later. तो सीन ऐसे हुआ कि हम लोगों ने पुग्गा जी को आइसक्रीम का लारा करा के और पिलाने ले आए हैं फ्रेश जूस। ये देख सकते हैं पुग्गा जी के साथ एक और प्रैंक हो गया, प्रैंक पे प्रैंक हो रहे हैं पुग्गा जी के साथ आज। पुग्गा जी को हमने आइसक्रीम का लारा कराया। अच्छा चलो खिला देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए फ्रेश जूस पीते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने कहाँ जाना है पुग्गा जी? गुलबर्ग केड़ी, वेफल्स बोलना आता, वेफल्स गजब बेइज्जती है। वेफल्स तो कोई बात नहीं है, पुग्गा जी को खिलाते वेफल्स पे जाके आइसक्रीम। तो हम आ चुके हैं वेफल्स, तो अब पुग्गा जी को हम खिलाते हैं आइसक्रीम ताकि पुग्गा जी राजी हो जाए। पुग्गा जी के अभी भी ना मुंह सूजा हुआ है, बिल्कुल उनके पेट की तरह सूज चुका है। ऑर्डर लेने वाला आए तो पुग्गा जी आइसक्रीम खाए और हम खुश हो जाए और ये भी खुश हो जाए, हम भी खुश होंगे अगर हमारा दोस्त खुश होगा यार। हाँ तो वो आता है तो फिर हम उसको ऑर्डर देते हैं ताकि पुग्गा जी भी खुश हो जाएं और आपको दिखा देते हैं कि ये देखें वेफल्स हम आ चुके हैं। पुग्गा जी ठीक है, ओके है, खुश हो भाई, नाराजगी खत्म हो गई है? जी हो गई है, बहुत बहुत मेहरबानी भाई। देखिए आइसक्रीम जी मानेगी फौरन, तो वेफल से आ गई है आइसक्रीम और पुग्गा जी की खुशी चेक करें। कल को कुछ भी करना है इसको हमने लाना वेफल्स पे, और ये मान मुन जाएगा, टेंशन लेनी ठीक है। पुग्गा जी खाओ जल्दी से, खा के दिखाओ भाई सबको, खा के दिखाओ जल्दी से, जल्दी यामी आइसक्रीम खाते में आपको मिलते हैं। सीन्स ऐसे हुए कि हम लोग आ चुके हैं इस वक्त क्लब और काफ़ी देर हो चुकी थी स्नूकर खेले हुए, तो हमने सोचा यार कि स्नूकर ही खेल लेते हैं। तो अब थोड़ी सी स्नूकर खेलते हैं, एक दूसरे को ज़रा देखते हैं कौन जीतता है इसमें। ये पुग्गा जी फ्रेम लगा रहे हैं और ये इलियास साहब और पुग्गा जी का पहला मैच है, पर मैं इस तरह होने नहीं दूंगा क्योंकि मैच मेरा और इलियास का ही पहला होना है। असूल पे हम चलते हैं, असूल के खिलाफ नहीं यार। हर बारी क्या होता है यार, क्या मतलब हर दफा तुम रोने लग जाते हो यार। मैं खा रहा हूँ ये देखो बबल, ठीक है, और पुग्गा जी और इलियास साहब खेल रहे हैं फ्रेम। तो आज आपको पता है सिर्फ प्रैंक हो रहे हैं पुग्गा जी पे, तो पुग्गा जी तो फ्रेम में बिजी हैं, देखें दोनों बिजी हैं। पुग्गा जी को कोई आइडिया नहीं है कि अब इनके साथ एक और प्रैंक होने लगे। मैं कह रहा हूँ बबल, पुग्गा जी अपने फ्रेम में बिजी हैं, ये जो बबल है ना मैंने पुग्गा जी के हाथ में दे दी है, ये मुँह से निकाल कर वो चलते हैं, पुग्गा जी को फ्रेम खेलने देते हैं, वो बिजी होंगे एकदम, मैं बबल उनके हाथ में दे दूँगा। पुग्गे के साथ इतनी लड़ाई के बाद इनका ब्लैक पे फैसला आ गया। यार तुम हार नहीं आते हो यार, क्या मतलब है यार, हारते ही रहते हो यार, ये क्या मतलब है यार तुम्हारा, क्या यार जिसपे शांत कर उसकी शर से बचो जान के,
तो सीन कुछ इस तरह का हुआ, मैं तो वहाँ भाई से जान बूझ के हार गया, चूंकि देखो मेरे लिए इनसे बढ़कर कोई नहीं है, इनकी जीत से बढ़कर। अब मोहसिन भाई उनका प्रेम लगा हुआ है, तो ये है कि मोहसिन भाई अब इनको धो रहे हैं बड़ी अच्छी तरह। मगर मुझे यकीन है अगर मोहसिन भी हारेगा तो इससे जानकी हारेगा, ये मुझे बस अपने इसके लिए इतना। अच्छा वो इतनी अजियत नहीं देनी उसको यार। ब्रदर आप फ्लूक्स पे फ्लूक्स मारी जा रहे हो। अच्छा ये तो अजीब बात की आपने। बारी ले लो, हुआ क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया यार। ना कर यार इलियास, बस कर दे यार, बस कर दे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ है? क्या हुआ है? तो ये इलियास और पुगा जी का हो रहा था इस वक्त चैलेंजिंग फ्रेम। उस चैलेंजिंग फ्रेम में सीन्स ऐसे हैं कि जो हारेगा वो 10 बैठ के लगाएगा। 10 स्कोर है इस वक्त इलियास का और टेबल पे पड़ा 25। क्या पुगा जी स्कोर लेवल करके जीत पाएंगे? नहीं। अगर नहीं जीतते तो 10 बैठ के लगाएंगे। अगर इलियास हारता तो वो भी 10 बैठ के लगाएगा। इलियास साहब के होश उड़ते हुए क्योंकि ब्लू पुगा जी को आ गई है। चलें जल्दी से दिखा दे, दिखा दे, चले चले पुगा जी से बैठ के लगवा दे। 10 बैठ के पुगा जी आ गए, बैठ के लगाने। पुगा जी चलें, स्टार्ट हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 समझ रहे हो आप? 7 8 9 10। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग आएगा बहुत ज्यादा पसंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको डेली अपडेट्स आती रहे, हमारे व्लॉग आपको आते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।